सच है? हो सकता है, वो ही बता सकता। नमस्ते मास्टर यून, मैं हाजिर हूँ। हाल ही में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत लोगों ने तुम्हारी सिफारिश की है मुझसे। आपका शुक्रिया, मैं मेहनत करता रहूँगा। मुझे ऐसी चापलूसी पसंद नहीं है, तो अपनी ईमानदारी और काम से अपने आप को साबित करो। उम्मीद करता हूँ ये तुमसे होगा। ऐसा ही होगा मास्टर। याद रखना, जब मैं सफल हो जाऊँगा तब तुम मेरे योग्य सहायक बनोगे। मैं आपका आभारी हूँ मास्टर। हमारे चारों ओर काफी खतरे हैं। जल्दी से मिस्टर चैंग को ढूंढो और उन्हें ये दे दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये काम में देरी हो गई तो मेरे करियर पर असर पड़ेगा। समझ गया। मारो मारो मारो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह क्या बात है, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मारो उसे मारो मारो और मारो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो तुम्हारे पीछे आ रहा है वो। आप कितने दयालु हैं। आप चिंता मत करो। करवा दिया इसने, बहुत जल्दी हार गया ये। उठो भाई उठो, हो गया। यहाँ पर। जी। वाह, ये तो अलग है कुछ। अरे बाप रे, हैं? ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। बकवास बंद करो, तुम बार बार ये भूल जाते हो कि तुम सिर्फ लड़ने का अभिनय करते हो। और देखो, तुम सिर्फ लड़ाई पर ध्यान दो, ये सब देखकर बहकने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। अरे वो देखो, क्या शानदार सोफा है ना? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? बस पकड़े मत जाना, समझे? हाँ। क्या ये सोना है? अरे अरे अरे, इसे खरोचना मत, ये सोना नहीं है। चलो वहां देखते हैं। जिलिंग के प्रभारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जी, जरूर जरूर। जानते हो ना, इस मुकाबले का आयोजन खुद चीफ टियो ने किया है। कोई गलती मत करना, नहीं तो अंजाम तुम्हें मालूम है। जी, हम समझ गए। हम नियमों का पालन करेंगे। तुम नियमों को समझ गए हो ना? हमें किसी भी हाल में जीतना है। जी हाँ, हम पेशावर हैं, आप चिंता मत कीजिए। अपने रहने के लिए कोई जगह देख लो, देर मत करना। जी जरूर। अरे सुनो, क्या जिनलिंग में कोई दिलचस्प रहा है? ये मेरा बेटा है। दोस्तों दोस्तों, क्या तुम लोग गाओशन के बारे में जानते हो कुछ? अरे सुनो, ये आदमी क्या बोल रहा है? हाँ, ये तुम्हें सुनना है। ये डोंग शेन का एक मशहूर योद्धा है, ये कभी हारा नहीं है। हाँ, ये लगातार 108 मुकाबले जीता है। हाँ, सुनिए सुनिए, 108 मुकाबले, ये कोई मजाक नहीं है। मैं मास्टर हुआ, अपने गरिमा के साथ शपथ लेता हूँ, गाओशन निश्चित रूप से जीतेंगे। ये जीतेगा, बताओ बताओ, जीतेगा। तो फिर सब लोग मेरी बात सुनो, उस पे दांव लगाओ, तब तुम बहुत ही अमीर बन सकते हो। बहुत ही अमीर। मास्टर हुआ, मैं उस पे दांव लगा के बहुत अमीर बन सकता हूँ, है ना? अरे तुम्हें क्या मुझ पर शक है? बड़े यंग, ये एक शानदार मौका है, इस मौके को जाने मत देना। अपने सारे पैसे लगा दो इसके ऊपर, और बदले में 10 गुना जीतोगे। फिर तुम अपनी बेटी को बीमारी से बचा सकते हो। बिल्कुल, अगर तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो फिर मुझे डर है कि तुम अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगे। लीजिए मास्टर वांग, मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए ये सब कर रहा हूँ। अरे चलो, दूंगा ना? हाँ, सुनो, चलो चलो, फिक्र मत करो। आओ, चलो चलो, चलो आगे, टेंशन मत लो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। वो मेरी इकलौती बेटी है, अगर मैं उसका इलाज नहीं करवा पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो। चलो भाइयों, कोई गाओशन पर दांव लगाएगा? चलो दोस्तों। हाँ, लगाओ लगाओ। दोस्तों, मैं घोषणा करता हूँ कि 5 प्रांतों के बीच होने वाली आखिरी चरण की लड़ाई शुरू हो रही है। हाँ। शुरू करो, जाएगा। पहला दौर, नन्नू ड्रैगन गाई चाओ। अरे, सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अपने अंदाज में मारना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, फिक्र मत करो, जीत कर आऊंगा। बहुत बढ़िया। अरे आराम से। Tio. अरे तुम्हें क्या मुझ पर शक है? बड़े यंग, ये एक शानदार मौका है। इस मौके को जाने मत देना। अपने सारे पैसे लगा दो इसके ऊपर। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। ये लीजिए पैसे। मैंने इस दांव पर अपनी बेटी की जिंदगी लगा दी है। फिर तुम अपनी बेटी को बीमारी से बचा सकते हो। वो मेरी इकलौती बेटी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं और मेरी पत्नी हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो। अरे रे, ये बहुत महंगा पड़ेगा। निकल जाओ। नहीं, जल्दी, कुछ खत्म नहीं होगा। मेरा खिलाड़ी जीत गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये कैसे हुआ? रुको, अरे तू कौन है रे? हेलो सर। ये क्या है और अंदर क्यों लेके जा रहा है? सर, पिताजी को मलेरिया हो गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अरे पिछली रात वो मर गए, लेकिन वो मरने से पहले माँ के बगल में दफन होने की इच्छा जताई। मुझे शहर के बाहर उन्हें दफनाना है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? जा जा, तू जा अंदर, जा जा। शुक्रिया सर। रुको जरा। वो सर, पेट में गैस हो गई थी। अरे ये क्या कर रहा है तू? जा इधर से। कुछ तो हिला, कुछ तो हिला अंदर। पकड़ो उन्हें। चलो चलो यहाँ से। किधर भागते हैं? रुक 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 रे, किधर भागता है? एक बार रुको तो सही। क्या तुम 1 मिनट के लिए रुक नहीं सकते थे? रुको तो सही। हे भगवान कैसा बाप है मेरा। हाँ चल तो रहा हूँ मैं। मिल गए। चलो चलो वही रुक जाओ। चलो अरे भाई मैं बहुत थक गया हूँ। फिर से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद सर जी। मैंने आपकी कलाबाजी देखी, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता, भले ही हमारी ताकत सीमित है। हम इस दुनिया में आम लोगों के लिए लड़ेंगे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ताकि हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे। जीत हमेशा नायक की ही होती है, नायक की। मुझे तुमसे एक गंभीर बात करनी है। क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? हाँ मुझे बताओ। 15 अगस्त को दोपहर में ये चाबी लेकर आना। किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लो जो एक कोड समझ सके। जिंगलिंग डेंगू पेविलियन टी हाउस में उनसे कहो उसके पास जो भी है उसे लेकर मिस्टर चेंग से गुआंगझों के 7 नंबर गली में मिले। ये उन्हें दे देना। चिंता ना करें। इन हुआ का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, लेकिन वो तो मेरा बेटा है। पिछली बार वो मैं उसे नहीं मार पाया था, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे बदले को पूरा पूरा करना पड़ेगा। अंकल यान, अंकल यान। देखिए साहब, जिसे आप पकड़ना चाहते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इस झमेले से मुझे बाहर रखिए। कुछ ना कुछ तो तुम्हारा लेना देना है इस झमेले से। अच्छा फिलहाल तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ? मैं ताकत के लिए काम करता हूं और आप करते हैं पैसे के लिए। हमें जो चाहिए उसके लिए एक दूसरे की मदद करते हैं हम लोग। क्या कहते हैं आप? पैसा बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे लोग आपके लिए काम करेंगे, फिलहाल इतना ही कर सकता हूं मैं। प्रमुख डुओ, आपको बता दूं मैं, मार्शल नायक गाओ टियांग जिंगलिंग में वापस आ चुके हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसकी आखिर इतनी हिम्मत हुई कैसे। कहीं उस आदमी ने मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं लगा लिया। पहाड़ों के बीचों बीच साफ पानी मिलेगा। वक्त घोड़े की रफ्तार से भाग रहा है। वाइब्रेंट क्विज़ को दिखाते हुए हम विशाल समुद्र को देखते हैं। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसे मैं नहीं जानता। ये कविता सुनाकर क्या ये वही तो नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? तुम अभी क्या बोल रहे थे? अभी कुछ भी तो नहीं, बस वो एक कविता। कविता? हाँ। कैसी कविता? मेरे बिस्तर के सामने एक टॉवर है, उसके ऊपर एक चांद है और चांद की रोशनी से मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। ये कैसा संयोग था? मिस हे, मेरे पापा कहीं मिले दो पेंग के कब्जे में। दो पेंग? तो कहाँ है मेरे पिताजी? पुलिस उन्हें जेल लेकर गई है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पिताजी को बचाने। तुम्हें लगता है ये सब बहुत आसान है? दो पेंग को जो चाहिए वो मैं हूँ। मैं दो पेंग के पास जाऊंगा पिताजी के रिहाई के लिए। पिताजी, इतने सालों से सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से आपने बहुत झेला, वो भी इस उम्र में, दहशत भरी दुनिया में। सबसे खराब चीज लोगों की सोच है, छुपना छिपाना। कब बंद होगा ये? मैं मानता हूं मैं एक लड़ाकू नायक हूं, मेरे जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मुझे यह स्थिति समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। मैं कोई दुनिया नहीं बदल सकता और मैं इसे बदलना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। इस संसार में मैं पापों के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक लड़ाकू हूं और ये मेरी मर्जी है, ये याद रखना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। पंखों वाला झंडा। अरे देखो तो उस आदमी को कैसे लटकाया है, देखो। ऐसा क्यों किया है? हिलना मत, अगर तुम हिले तो तुम्हें मार दूंगा मैं। आपको क्या लगा मैं इन सभी को यहाँ से यूं ही जाने दे सकता हूँ? तुमने अपना वादा तोड़ा है, तो तुम मास्टर यौन शेफ के खिलाफ जाओगे, वो भी इस ही यंग फैंग की वजह से। मुझे लगता है आप ही नियमों के खिलाफ जाते हैं। क्या बात है? ध्यान से सुनो, नियमों को मैं ही बनाता हूं। चलो। ये सब तुम क्या कर रहे हो? इस सब से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इस सब का अंदाजा है तुम्हें? खुद को मरवाना चाहते हो क्या? यान हो, ये रहा वो असली सामान। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम जानते हो मास्टर यौन कैसा व्यवहार करेंगे तुम्हारे साथ। मुझे मास्टर यौन के नाम से अब धमकाना बंद कर दो दोस्त। ये मत भूलना कि तुम इस समय जिनलैंग में हो। अगर तुम्हारे मास्टर मुझे सजा देना भी चाहते हैं, लेकिन उनका इससे कोई वास्ता नहीं। ये तुम्हारे और उनके बीच की बात है। मैं इससे बाहर रहूंगा। ले जाओ सबको, जाओ। आओ। यान हु, अभी हमारे बीच के लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। इसमें कुछ नियम है, जीना या मरना। जीतने वाला जिएगा और हारने वाला मरेगा। गाओ तियान, तुम बर्बाद हो चुके हो। तुम कभी भी मुझे नहीं हरा पाओगे। अंकल यान ने मुझे बोला था, हम हिम्मत करके कुछ भी कर सकते हैं। मेरे बेटे, वो मेरा बेटा है, पहले मैं उसे नहीं मार पाया था। मुझे लगता है मुझे इस दुनिया में पापों के खिलाफ लड़ना चाहिए था।